आज हम बनाएंगे तीन टाइप के चटनी जो आप इडली अप्पम या डोसा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। व्हाइट नारियल की चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर में गीला नारियल 1/4 कप, हर मिर्च 2, भुने हुए मूंगफली 1 बड़ा चम्मच, अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 5 से 6 कलियां, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से डालिए, चीनी 1 चम्मच, ताज़ा कड़ी पत्ता 10 से 12, थोड़ा सा पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। अगर चटनी ज़्यादा सूखी लगी तो और थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए। ये हमारा पहला चटनी रेडी है। अब बनाते हैं दूसरे वाली चटनी। एक मिक्सर में भुने हुए मूंगफली 1/4 कप, इस चटनी में मूंगफली थोड़ा ज़्यादा लिया है, गीला नारियल 1/4 कप, लहसुन 5 से 6 कलियां, अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3, ताज़ा कड़ी पत्ता 12 से 15, जीरा 1/2 चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से डालिए, चीनी 1 चम्मच, मुट्ठी भर ताज़ा हरा धनिया, 1/4 कप पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए। ये हमारी दूसरी चटनी सर्व करने के लिए रेडी है। अब बनाते हैं तीसरी वाली लाल चटनी। एक पैन को गर्म करके 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होते ही डालते हैं जीरा 1/2 चम्मच, भुने हुए चना दाल 2 बड़े चम्मच, भुने हुए मूंगफली 1 बड़ा चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 12, 2 मीडियम साइज के प्याज लंबे कटे हुए, अदरक 1/2 इंच का टुकड़ा, लहसुन 6 से 8 कलियां, सूखी लाल मिर्च 2, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लीजिए। अब इसमें डालते हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर चॉप किए हुए, नमक स्वाद अनुसार, चीनी 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अच्छे से मिला लीजिए। गैस को लो टू मीडियम हीट में ही रखिए। प्याज और टमाटर को अच्छे से गल के पकने दें। प्याज और टमाटर पकने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। मिश्रण को ठंडा होने के बाद मिक्सी में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसमें जाएगा गीला नारियल 2 बड़ा चम्मच, गुड़ 2 बड़े चम्मच, इमली 2 चम्मच, 1/4 कप पानी। चटनी का स्मूथ टेक्सचर आने तक ग्राइंड कर लें। अगर पनीर कम लगे तो और थोड़ा डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी वाली चटनी भी रेडी है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर तड़का भी दे सकते हैं। अब हम तीनों चटनी को तड़का देंगे। एक तड़का पैन में तेल 3 बड़े चम्मच, तेल गर्म होते ही डालते हैं सरसों, सरसों को चटपटाने दें, जीरा 1/2 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 12, सूखी लाल मिर्च 2, अच्छे से मिला लें। गैस को बंद कर दीजिए। अब तड़के का 1-1 स्पून तीनों चटनी में डालेंगे। इन चटनी को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। इन चटनी को आप इडली, डोसा, अप्पम के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ही इन तीनों चटनी को घर पे ही ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरे चैनल में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।